हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग गाइज। गाइज दुबई में आज अपना दूसरा दिन और आज अपन जाएंगे सिटी टूर पे और बुर्ज खलीफा का 124वीं मंजिल पे। तो सिटी टूर में लगभग लगभग चीजें कवर करने वाले हैं हम, जो जो मेन मेन लैंडमार्क्स हैं और मार्केट बढ़िया बढ़िया जहां जहां शॉपिंग आपको करनी चाहिए। और गाइज कैब मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मेरा एयर थोड़े से बिखरे। अगर हम आए दुबई और सुपर कार्स नहीं देखी तो उसका क्या ही मजा हुआ दुबई आने का। तो आज रात को तो मैं ना ज्यादा अच्छे से शूटिंग कर नहीं पाया कार वगैरह की, लेकिन अब दिन में आपको दिखाएंगे मस्त मस्त गाड़ियां। जो गाड़ियों के शौकीन ना वो तो इस ब्लॉग के अंदर लास्ट तक बने रहना। तो भाई हम मस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बन कर रहे सोने का, पर अब जा रहे हैं सिटी टूर के लिए। पर अभी शूज डाल रखे तो चप्पलें डाल के आते हैं पहले, फिर जाएंगे। हमारे टूर में ना बीच है और बीच पे क्या है चप्पलें पहन के जाएंगे तो सही रहेगा। आ गई सिटी टूर वाली गाड़ी। यहाँ पे लेफ्ट में दुबई फ्रेम है, ये मिडिल ऑफ द दुबई है, इसके लेफ्ट साइड में ओल्ड दुबई है, राइट साइड में न्यू दुबई है। गाइस सिटी टूर का अपना पहला स्टॉपेज है दुबई फ्रेम। इसके एक साइड में दिखेगा ओल्ड दुबई और एक साइड में दिखेगा न्यू दुबई, और ये बीच में बीचों बीच बना हुआ है और गोल्ड प्लेटेड है ये। अगर आप एक्टिविटी में इसको इस तरह से ऐड कराना चाहते हो तो इसके टॉप पे जाओ और नीचे ग्लास फ्लोर लगा हुआ है और उस पे चल के देखो, बहुत मजा आएगा आपको। मस्त है, ऊंचाई देख कितनी बढ़िया है इसकी। भाई साहब आप पे फोकस बाद में करो, रुक जाओ एक बार। लैम्बो आ गई, ये जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना कितनी ऊंची है देखो, इनमें दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट लगी हुई है और बुर्ज खलीफा में तो सबसे तेज लिफ्ट है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन आपको एक और बता देता हूँ, सऊदी अरब वाले है ना बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ने की तैयारी में है, उन्होंने और बड़ी बिल्डिंग बनाने लगे हैं वो लोग। गाइस दुबई मिडिल ईस्ट में आता है, एशियन कंट्रीज में नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एशियन कंट्रीज में है, इंडिया के पास में। और अब जा रहे हैं हम लोग कौन सा जबील पैलेस नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी। तो इसके बारे में क्या खास है, ये पैलेस है शेख का पैलेस है शेख बिन मोहम्मद, शेख मोहम्मद बिन राशिद आपको जल्दी ड्रॉप कर देते। उसके पेटेंट है दुबई वन की गाड़ी सिर्फ वो ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। और उसके बाद ना अभी किसी ने दुबई 7 लिया था नंबर, तो उसकी जो गाड़ी थी ना उससे 5 गुना ज्यादा पैसे उसने पे करके वो नंबर लिया था। $8 मिलियन में बिका था नंबर वो। गाइज पूरे यूएई नहीं पूरे वर्ल्ड में ना ऐसे इन शेखों के जो दुबई के शेख है हजारों बंगले हैं और इतने ही बड़े बड़े बंगले हैं भाई। एक्स्ट्रा लार्ज गाड़ी, इसको आप रेंट भी कर सकते हो, अभी कोई टूरिस्ट लेके आया हुआ इसको जब ये गाड़ी यहाँ खड़ी थी। लास्ट स्टॉप लिया है हमने जबील प्लेस के लिए और आपको वो भी दिखाएंगे, उससे पहले फिर एक मेन अट्रैक्शन दिखाएं। गाइस आप इसको रेंट भी कर सकते हो। लाइफ तो शेक की है यार इसकी, ये देखो रेगिस्तानों को आ रहे चल रहे हैं, ये देखो और बुर्ज खलीफा वहाँ खड़ा है अपने एटीट्यूड में पूरा। और ये एंट्रेंस है और जो ये सामने पुलिस की गाड़ी दिख रही है ना लैंड क्रूजर, इससे आगे आप नहीं जा सकते, तो आपको इधर तक ही जा सकते। इस तरह का कुछ ये पैलेस है और ये तो खाली एंट्रेंस है और अंदर से तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, कवर ही नहीं कर पाओगे। गाइस दुबई के मालिक के बंगले के बाहर चल रहे हैं, बाकी रहा इनकी पूरी जबरदस्त लाइफ है और बहुत तगड़ी तगड़ी प्रॉपर्टी है, खाली दुबई दुबई में नहीं दुबई से बाहर बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर्टी है इनकी।
भाई ये जो बिल्डिंग है ना इसमें स्काई वॉक है जिसमें आप बिल्डिंग पे लटक के फोटो वोटो खिंचवा सकते हो और चल फिर सकते हो। मेरे को तो स्लॉट नहीं मिला इसका। ये जो ब्लैक कलर में चल रही है ये गाड़ी सबसे ज्यादा है यहाँ टोयोटा की है, पता नहीं नाम नहीं पता मेरे को पर बहुत ज्यादा है। ये पूरा समुद्र के ऊपर एक पेड़ की शेप में बना रखा है, मैनमेड आइलैंड है ये पाम जुमेरा, पूरा पोर्स इलाका है दुबई का। अब दुनिया का सबसे पहला सेवन स्टार होटल जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं अभी, बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल अरब पाम जुमेरा। ठीक ठीक ठीक। और पाम जुमेरा भी बहुत फेमस चीज है और वो है अल अरब होटल। अभी जा रहे पाम जुमेरा। अच्छा वो मैंने देखा है कई बार उसमें वीडियोस वगैरह में 360 व्यू आएगा यहाँ से इस बिल्डिंग पे से और सारा पाम बीच दिखाई देगा, नीचे पूरी शेप दिखाई देगी इस बीच की। पाम जुमेरा बीच पे जाएंगे हम। शेरवान को विला गिफ्ट किया हुआ लेफ्ट साइड में, इस साइड में। हाँ शाहरुख खान को गिफ्ट किया था। हाँ दुबई गवर्नमेंट, दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है। तो इधर विला उनका है शाहरुख खान का, के फॉन्ट में, के फॉन्ट में और फॉन्ट बने हुए हैं साइड में। सही है यार। अंबानी लोगों ने भी विला इधर इधर लिया, उसका पैसा आई थिंक 700 करोड़ है। उधर साइड में जाने नहीं देते ना, 700 करोड़ का विला लिया है। वो सारे सेम जो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं विला जो दिखाई दे रहे हैं यही है, ये एंड तक यही है सब। इस टाइप की मिला है और बाहर से तो क्या पता लग जाएगा। अक्षय कुमार बनी शाहरुख खान की। अच्छा अच्छा अटलांटिस में थी समुद्र भाई। ये है दुबई का पहला फाइव स्टार होटल जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी बॉलीवुड के थ्रू भी। उल्ली एसी में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते एक तो पकोड़ा सा बढ़ जाता है। पर गाइस ये तो अभी जो इस होटल के बारे में बता रहा था ना आपको, अपग्रेडेड अटलांटिस है। और ये देखो बीच वॉक है तो खासा लग रहा है थोड़ा सा। हमने देखो वैसे बेस्ट से बेस्ट फाइव स्टार होटल का रखा है, लेकिन इस ऑफ सीजन में ना ये भी हमें मिल सकता था। मतलब ये नहीं, इसके आसपास और होटल है। और लोकेशन देखो सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है समुंदर का। ये समुंदर जो है ये कनेक्ट करता है दुबई को इंडिया और पाकिस्तान से। होटल है जसरल जुमेरा, और ये अब होटल में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो शेख का जो वो था ये पैलेस था। और ये घोड़े हैं ना जितने भी, कितने 7-8 घोड़े हैं नहीं, सारे पे सोने का पानी लगा हुआ है, ज्यादा है सारे सोने के। आप इसका स्लॉट बुक कर सकते हो जैसे मतलब
कॉफी भी बुक कर सकते हो। अगर कॉफी बुक करोगे तो उसके ऊपर गोल्ड पेपर लगा होगा, गोल्ड वर्क कॉफी के ऊपर, कॉफी के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब हम किंग बेड देख के आ सकते हैं अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, विजिट बुक करते हो ना उसका स्लॉट बुक करना पड़ता है। बिल्कुल, स्लॉट बुक करके उस हिसाब से आप जा सकते हैं। ये एलिपैड है और उस साइड टेनिस ग्राउंड है वो जो दिखाई दे रहा है, और बाकी इसके पास चल के दिखाते हैं आपको और डिटेल्स बताते हैं इसके बारे में। ये यहाँ का बीच है, जुमेरा नहीं, जुमेरा बीच। ये सेवन स्टार जो होटल है वो है, ये भी उसी की प्रॉपर्टी है और ये भी उसी की प्रॉपर्टी है, शिप शेप में बना रखी है। और जो ये है ना, ये प्राइवेट वो विलाज है जो आप बुक कर सकते हो, जिसमें ये योट की राइड है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जब मन करे उठा के निकल सकते हो समुंदर के बीच में, जैसे गेस्ट गए हुए हैं यहाँ पे। जो पीछे होटल है ना, ये दुनिया का एकलौता सेवन स्टार होटल है, ऐसा दुबई वाले क्लेम करते हैं। और इसके अंदर टूटिया संडा सब सोने का है, और इसकी सबसे बड़ी लॉबी है जो कि सोने की 24 कैरेट गोल्ड की है। अब चलते हैं बीच पे, छोटी छोटी है, निशानी लेके जाते हैं, ले चलते हैं मम्मी के लिए, मम्मी को देखते हैं। वो मार दी उसने सिट्टी, उस साइड ना आ सकते हैं, उस साइड ना आ सकते हैं। अब यहाँ एक एंटीक चीज का शोरूम सा है, इधर आप खरीद सकते हो ग्रोसरी वगैरह। मरहबा, यहाँ फोटो ले गाइस। यहाँ हैंडीक्राफ्ट का था सारा, गोल्डन धागों से बनाई हुई पेंटिंग्स थी, वीडियो अंदर अलाउड नहीं थी, लेकिन आप देखो सब के अपने अपने शौक है, आप आ सकते हो लेने। एक पेंटिंग दिखाई उन्होंने 7 लाख की, यानी 36,000 दिरहम की थी। उसके अंदर अलग अलग देशों के नग वगैरह लगा रखे थे, उन्होंने स्टोन्स थे अलग अलग देशों, अफगानिस्तान का था, UAE का भी था, बहुत सारे देशों के स्टोन्स थे। गाइज ये है फ्यूचर म्यूजियम, दुबई का बहुत फेमस म्यूजियम है। इसमें 2071 तक की दुनिया दिखाई हुई है कि दुनिया कहाँ तक पहुँच जाएगी। हमारी आइटनरी में ऐड है तो हम बाद में दिखाएंगे इसको, और अब जा रहे हैं गिफ्ट विलेज में, जो कि दुबई का सबसे फेमस विलेज है, वो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।